हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रेमन जैन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो FMCG सेक्टर से है, और ये जो कंपनी आप देख सकते हैं क्वालिटी लिमिटेड, ये मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कर्ड, घी, दूध सप्लाई करते हैं। और कंपनी तो अच्छी है, लेकिन जो कंपनी का स्टॉक चल रहा है 45.35 के करीब, जो एक साल में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी मींस प्रेशर में है, क्योंकि इनके जो प्रॉफिट्स है वो थोड़े घटे हैं, प्रॉफिट्स मार्जिन घटे हैं, तो उसी के तहत नेट प्रॉफिट में भी फ़र्क आया है। तो लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी बताता हूँ, और एक बड़ा कारण जो है उसी के कारण जो है ये स्टॉक ज़्यादा लुढ़का है, तो वो भी मैं एक बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका अगर चार्ट एक साल का देखेंगे तो काफ़ी मींस नेगेटिव मोड में ही गिरा है लगभग अक्टूबर के बाद, तो वो एक चीज़ है जो आपको समझनी है। और मार्केट कैप इसका 1094 का है, EPS 2.95 का है, ₹1 का फेस वैल्यू है, 10% का डिविडेंड दिया था। और इसके अगर फाइनेंशियल्स देखेंगे तो लगातार मींस दो क्वार्टर्स में इनके जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो घटते गए हैं। मार्च का अगर क्वार्टर का देखेंगे तो 1708 के करीब है, दिसंबर 1773 के करीब था, और जो नेट प्रॉफिट है पहले 20.94 का था और अब 1.29 का है। मींस नेट प्रॉफिट में थोड़ा फ़र्क आया है, और कंटिन्यूस ये दो क्वार्टर्स ख़राब ज़रूर गए हैं पहले से, लेकिन ईयरली बेसिस पे अगर देखेंगे तो ठीक ठाक है। लेकिन इनके एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि अक्षय कुमार जो है वो इनके ब्रांड एम्बेसडर है, तो आगे जाके ये कंपनी थोड़ा अच्छा कर सकती है, लेकिन जो कंपनी के प्रोमोटर्स हैं उन्होंने पैसे जुटाने के लिए जो इनके शेयर्स है वो 79% तक जो है प्लेज किए हैं, तो उसी के कारण ये स्टॉक में प्रेशर ज़्यादा आया है। ये प्रोमोटर्स जब पैसे की ज़रूरत होती है तो ये जो इनके शेयर्स रहते हैं या तो बैंक में गारंटी के तौर पर रख डालते हैं और पैसे जुटाते हैं, तो यही न्यूज़ के कारण जो है ये स्टॉक सबसे ज़्यादा गिरा है। आप देख सकते हैं प्रोमोटर स्टेक हैज़ डिक्रीज, जो इनका स्टेक है इक्विटी शेयर्स में वो थोड़ा घटा है, और जो प्रोमोटर्स है प्लेस 79.01% ऑफ देयर होल्डिंग। तो ये एक कारण है, क्योंकि जब कंपनी प्लेज करती है तो कैश क्रंच हो जाती है, और उसी के कारण जो है उन्हें पैसे जुटाने पड़ते हैं, तो उसी के कारण ये कंपनी में 3-4 महीने में लगभग काफ़ी मींस स्टॉक प्राइस में गिरावट देखी है। अगर ये जो इनकी जो गिरवी रखे हैं शेयर्स प्लेज मींस गिरवी रख देते हैं, तो ये फिर से अगर अपना जो स्टेक है स्ट्रॉन्ग मजबूत करते हैं तो उस फिर से जो ये स्टॉक है ग्रो करने लग जाएगा। तो आज इसी के बारे में बताना था। और किसी भी कंपनी का स्टॉक आप चुनते हो तो सबसे पहले ये ज़रूर देखें कि प्रमोटर्स जो है स्टॉक प्लेज करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ बन जाती है। तो आज इसी के बारे में बताना था। चलिए, थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए, थैंक यू।